हेलो मेरे YouTube फैमिली, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि गाइस, हम 200K के बहुत ज़्यादा करीब है। मुझे अभी तक याद है जब आप लोगों ने मेरा 100K करा दिया था, उसके वजह से मुझे अपना सिल्वर प्ले बटन मिला था और अब हम 200K फैमिली होने वाले। तो गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना सपोर्ट और प्यार दिया है। अब जल्दी से बस वो 200K करा दो, फिर 200K स्पेशल व्लॉग निकलेगा। तो गाइस, आज का है व्लॉग, हम जा रहे हैं डे नाइट मैच खेलने और ये सेकेंड मैच है। पहला मैच में आपके भाई ने मारा है 56 रन्स और अभी अच्छा फॉर्म चल रहा है। मैंने लास्ट मैच में सेंचुरी भी मारा है। तो गाइस, यही होप करेंगे कि वो अच्छा फॉर्म कंटिन्यू रहे और आज भी अच्छे टीम के लिए परफॉर्म करे। तो गाइस, जल्दी से फटाफट रेडी होके मैच के लिए चलते हैं। तो गाइस, जैसे आप लोग जानते हो कि मैं क्रिकेटर हूँ और मैं बॉडी बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता हूँ, और ये दोनों स्पोर्ट जो क्रिकेट और बॉडी बिल्डिंग है, एक फिजिकल डिमांडिंग स्पोर्ट है और काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग है। तो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है पंचामृत हिमालयन शिलाजीत एफर्वेसेंट टैबलेट्स के बारे में। तो गाइस, जैसे आप लोग जानते हो मैं क्रिकेट ग्राउंड में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, तो गाइस ये जो टैबलेट है ये मेरा हेल्प करता है मेरे स्टैमिना में। इट ऑल्सो एनहांसेस माई परफॉर्मेंस ऑन द फील्ड। और जैसे आप लोगों को पता है कि मुझे जिम करना बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत लगाता हूँ मैं जिम में, तो वो मेरे जिम के वर्कआउट में भी हेल्प करता है। इसमें 5 इंपॉर्टेंट हर्ब्स की बेनिफिट है। जो सबसे पहला है वो है प्योर शिलाजीत, अश्वगंधा, गोक्षरा, कॉच बीज और सफ़ेद मूसली। जैसे आप लोगों को पता है बींग अ क्रिकेटर हम लोग मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, तो ये जो टैबलेट्स है ये मेरे फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस को कम करता है और मेरे फील्ड में जो वर्कलोड है जब मैं फटीग हो जाता हूँ तो ये रिकवरी में भी हेल्प करता है। इसको कंज्यूम करना बहुत ज्यादा इजी है और ये टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। तो गाइज, आप इसको 6 to 8 weeks ले सकते हैं एंड सी द डिफरेंस योरसेल्फ। एंड गाइज, यू कैन हैव 1 tablet इन अ ग्लास ऑफ वाटर एंड हैव इट डेली आफ्टर डिनर। सो गाइज, एनहांस योर परफॉर्मेंस एंड गेट पंचामृत हिमालयन शिलाजीत, लिंक इन बायो। तो गाइज, जैसे आप देख सकते हो कि बहुत ज्यादा फॉगी और बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और ग्राउंड में भी बहुत ज्यादा ड्यू है। आज हम टॉस भी जीत चुके हैं और हमारी बैटिंग आई है, तो एक बार जाके विकेट देख लेते हैं कि कैसा है, कि बैटिंग विकेट है या बॉलिंग। तो गाइज, बिल्कुल एक बैटिंग विकेट लग रहा है। तो तुझे कितना लगता है हमारी टीम कितना मारेगी? हम 220 के करीब मार लेंगे। 220? अंपायर लेग। अरे विकास भाई, बॉल बाहर कौन चाहिए? कौन भाई? अरे यार, अभी तो फील्डिंग नहीं कर रही। क्या हो गया? अरे किसका बैट ले आया? देख ले। ओए, ओ मेरा बैट देना यार, है वहां पे एसडी का। रुक जाओ। नो
पता नहीं कहाँ है, देख लो बहुत दूर है। बस ठीक, कैच कैच, छक्का हो गया, बढ़िया। हाँ भैया वहीं मारता हूँ मैं, चलो ओके ओके। भैया वहीं मारता हूँ मैं, ओ माय गॉड बिग हिट, शॉट भैया छोड़े, आवाज आई पता चल गया चौका हो गया। अरे पुलिस पुलिस, ओह छोड़े, सिक्स पैर मेरा बैंड नहीं हो रहा। अरे यार भाई हाथ के नीचे से, ऐसी गोल भी नहीं पकड़ोगे यार। यस, ये प्रैक्टिस कर रहा था, लगा फाइनल। हाँ हट, ज्यादा चला गया, और फाइन मार रहा था क्या? नहीं नहीं मैं ज्यादा चला गया, वो लग गया, मतलब मारा नहीं, हेड ऐसे ही गिर गया। नहीं नहीं मतलब, लेकिन हेड स्टेबल था ना, पता नहीं तेरा, वही तो बेनिफिट है ना तेरा, हेड स्टेबल रहता है एकदम, मिलता उधर रहता है जब भी कनेक्ट होते हैं। अच्छा तो ये देख लियो, थोड़ा फेंकेगा भाई, क्या कर रहे पास से जा रही है। अबे छोड़ रहे हो, बढ़िया। ओ भाई एक्सीलेंट यार, बोल शॉट, या ओए ये इसके नसीब में नहीं है छक्का। प्लेड है दीपांशु यार, प्लेड यार, व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ मैन। आज आपने मारा 130 को चरण, आज दे रहे 200 प्लस है, सेट है पैर पे, कुछ आते ही पैर तोड़ो, पहले एक पैर पे पैर 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 तोड़ो, पैर तोड़ो एक बार, सुपर सुपर सब यार, सुपर सब, बहुत बढ़िया, मजा आ गया आज, मजा आया वो जो बिना जल्दी जल्दी। तो गाइज मैं हूँ हमारे आज के मैच के सेंचुरियन के साथ हिमांशु बिहार, जिनने आज कितने मारे हिमांशु बिहार आपने, 57 बॉल्स 139 नॉट आउट, 57 बॉल्स में 130, ये तो आपने फाइनल के याद दिला दिए। तो गाइज हिमांशु बिहार इंजर्ड थे और इनके पैर में स्प्रेन था, तो 2-3 हफ्ते से बाहर थे, पर आज इनने बोला कि भाई आज बैटिंग करने का बहुत मन है, तो भाई इनने पहले ही दिमाग में ठान लिया था कि भाई रनिंग नहीं करूंगा बट भाई रन मारूंगा, और जो छक्के मारे ना, मतलब ऐसी बैटिंग भाई नेक्स्ट लेवल। आपको क्या, आप बताओ आपको कैसा लगा पहले जाके? ठीक था यार आज, क्योंकि मेरे पैर में थोड़ा था, फुट में, राइट फुट में मेरे को थोड़ा हेयरलाइन फ्रैक्चर था, उसे रिकवर कर रहा हूँ मैं, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में मैं ज़्यादा मारने नहीं गया, थोड़ा लंबा खेलने गया, तो वो अपने आप लंबा खेलने गया, अपने आप रन बनते हैं, फिर अगर आप टाइम लोगे थोड़ा बॉल को लास्ट तक देखोगे तो ठीक है, उसने मेरे को बेनिफिट दिया, जल्दबाजी नहीं करी तो रन बने आराम से, बाद में सेट होने के बाद तो मारने ही मारने हैं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आज जो अपने हिट्स मारे इतने क्लीन, और आज गाइस मैं जल्दी आउट हो गया था,
तो फिर हिमांशु भी आने सोचा भाई अब आके पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तो आज का जरूरत भी था कि जब आप फर्स्ट इनिंग इस विकेट में बैटिंग कर रहे हो तो अच्छा टारगेट सेट करो। हाँ, तो आज हिमांशु भी आ गए और इनने अच्छा इनिंग्स खेला और उनके साथ जो दीपांशु थे उनने इनको अच्छे से सपोर्ट किया, अच्छे रन मारे, उनने भी 58 मारे, 58 के आसपास ना, 28 बॉल्स 58 रन, तो दोनों का पार्टनरशिप नेक्स्ट लेवल था। दूसरे जिनने 58 रन मारे दीपांशु ठकराल, ये खुद हरियाणा से खेल रहे करंटली। तो पहले ये बताओ आप हमें कि जब आप गए तो आपका क्या माइंडसेट था और आपका क्या प्लानिंग था? माइंडसेट बस यही था, अरिमन ने जो आपने हेलमेट दिखाया मुझे खेलने के लिए उसकी लाज रखनी है, तो बस मैंने आज अपना बेस्ट दिया और एंड में 59 रन बन गए। और जो आपने वो जो स्वीप मार रहे थे यार, वो फील्डर ही नहीं लेते वहाँ पे, मेरे लिए फील्डर नहीं लेंगे, मैं तो मारूंगा ही। तो गाइस टारगेट है अभी 230 तो गाइस अभी टारगेट है 230 रन, तो देखते भाई कि बैटिंग टीम चेज कर पाएगी या नहीं। मैं बोल रहा हूँ राघव सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत शॉट यार भैया, लवली शॉट भैया, शाबाश शाबाश, बढ़िया बढ़िया खेल रहा, पूरा खेलेंगे। आज का है, फोटो ले, फोटो ले, अरे।